चुनाव के समय मुखिया को गलत इन्फॉर्मेशन देकर चुनाव लड़ना भारी पड़ा और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में दिख रहा है। वैसे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं और वह साबित नहीं कर पाए हैं कि इस इन्फॉर्मेशन सही है, तो उनको अब पद च्युत किया जा रहा है। तो ये मामला ताजा ताजा मामला आ रहा है कि मुखिया जी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के कचपा पंचायत के मुखिया को हटा दिया गया है। मुखिया का नाम है ममता देवी। हम इस पूरी रिपोर्ट को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम पंचायतों से जुड़े खबरों को लेते हैं और पंचायतों से जुड़ी जानकारी देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल हम इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि अगर कोई मुखिया चुनाव जीत जाता है किसी प्रकार से, चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन अगर वह चुनाव के समय नामांकन करते समय गलत जानकारी दिए हों और जानकारी के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिए हों, तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है, उनको पद से हटाया जा सकता है। बड़े अरमान से ममता देवी मुखिया बनी थी, उनके पति और लोग परिजन जी जान से चुनाव प्रचार किया था, चुनाव जीत भी गई, 6 महीने तक लगभग मुखियागिरी भी किया, तरह तरह के कार्यक्रमों में वह चीफ गेस्ट बनी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, ये हम बताते हैं। पहले आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। उम्र सीमा विवाद में फंसी रफीगंज के कजपा मुखिया ममता देवी को झटका लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग पटना ने मुखिया को पद मुक्त कर दिया है, वहीं मुखिया पद को रिक्त कर दिया गया है। अब वहां मुखिया पद रिक्त हो गया है, अब वहां दूसरा चुनाव कराया जाएगा। उक्त मुखिया उम्र सीमा में न्यूनतम योग्यता की धारण नहीं कर रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कजबा पंचायत मुखिया को रिक्त घोषित किया गया है। हम आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के वार्ड संख्या 1/2022 विनीता देवी बनाम ममता कुमारी के तहत सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार पटना ने पारित आदेश में कहा है कि ममता कुमारी द्वारा बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 2006 तथा संशोधित की धारा 136(1)(ख) के अधीन कट ऑफ डेट 1/10/2021 को सदस्यता के लिए अर्हता पूरी नहीं करती है। फलस्वरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 136(2) के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ममता कुमारी को तत्काल प्रभाव से पंचायत राज कजपा प्रखंड रफीगंज जिला औरंगाबाद के मुखिया पद से पदमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त ग्राम पंचायत राज के मुखिया का पद रिक्त समझा जाएगा। तो यह थी फैसले की कॉपी। अब नजर डालते हैं कि क्या मामला क्या था। पंचायत के पूर्व मुखिया विनीता देवी ने ममता देवी को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उम्र सीमा कम होने का आरोप लगाकर घेरा, फिर वह राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना में वाद दायर कर दिया। 6 महीने के सुनवाई के दौरान आयोग ने आदेश पारित करते हुए कचपा पंचायत की वर्तमान मुखिया ममता कुमारी को पद मुक्त करते हुए पंचायत को मुखिया पद हेतु रिक्त घोषित कर दिया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार रवि ने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं वोटर आईडी कार्ड में मुखिया ममता कुमारी का जन्म तिथि 17 जनवरी 1996 अंकित है, जिसके आधार पर ही चुनाव के समय नामांकन किया गया था। उस समय स्क्रूटनी में भी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराया था, सिर्फ शैक्षणिक आधार पर
प्रमाण पत्र को आधार बनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने गलत बताते हुए मुखिया को पदमुक्त किया है, जबकि उम्र के सत्यापन हेतु मेडिकल जांच के लिए भी मैंने आवेदन दिया है। इस आदेश के विरुद्ध वह उच्च न्यायालय जाएंगे। तो दोस्तों, यह आपने देख लिया पूरा किस तरह से मुखिया जो ममता देवी हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग ने पद मुक्त कर दिया गया है। अब ममता देवी अपनी वर्तमान मुखिया हो गई हैं। दोस्तों, लोग पूछते हैं बार बार कि मुखिया हटाए जा सकते हैं कि नहीं हटाए जा सकते हैं। थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती के कारण जो जीता हुआ पद है, जनप्रतिनिधि बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, उन्हें पदमुक्त किया गया। हम आपको बता दें कि जो मुखिया ममता देवी, इनका भी राजनीतिक पहुंच है, इन्हें आरजेडी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो हालांकि जो इनके पति जो है श्रीकांत ने बताया कि इनके राजनीतिक कारणों द्वारा फंसाया जा रहा है, लेकिन पूरा मामला समझने की जरूरत है कि पूर्व मुखिया विनीता देवी भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन ममता देवी चुनाव जीत चुकी थी। चुनाव जीतने के बाद किसी तरीके से विनीता के हाथ में मुखिया का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति लग गई हाथ में। किसी भी तरीके से सूचना के अधिकार से मांगा गया होगा और उसके आधार पर उसने वाद दायर किया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके आलोक में फैसला दिया कि ममता देवी को पद से हटाया जाता है। यह एक बहुत बड़ी घटना है बिहार के पंचायती राज विभाग से संबंधित। आप सभी को यह नई जानकारी मिली होगी, लेकिन जो सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार से चुनाव जीत गए, अब कोई नहीं हटाया जा सकता है, उसके लिए यह जो मुकदमा है, जो यह फैसला हुआ है, नाजिर बन सकता है। हालांकि जो ममता देवी है इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगी, वहां क्या फैसला आता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय विधायक मोहम्मद नहालुद्दीन चाचा जी एवं कस्बा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार जी एवं हमारे पंचायत के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यजन, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज इस बात की खुशी है कि हमारे इस मदार नदी पे पुल का शिलान्यास हुआ, इससे हमारे दर्जनों गांव लाभान्वित होंगे और हमारे ग्रामीण जनता को जो रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ता था उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हमारे जनता को दुर्घटना का सामना करना पड़ता था, जो स्कूल के बन जाने से अब हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारे ग्राम पंचायत कस्बा के जनता ने मुझे जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुखिया बनाने का काम किए हैं, मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि उनकी उम्मीद और विश्वास पे खरा उतरूंगी और अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगी और जिला स्तर पर विकास करूंगी। जय हिंद, जय भारत।